जब कोई सरकार देश संपत्ति संचय और असत्यवादन के रास्ते पर चल जाता है तो भूख को वो मिटा नहीं सकता, भूख को ही मिटा सकता है जो सत्यवादी बने और संपत्ति संचय को छोड़े। क्या हम देश में कानून बना सकते हैं? अधिकतम और न्यूनतम, सबसे नीचे एक, सबसे ऊपर दस। अगर महामहिम राष्ट्रपति का वेतन 1.5 लाख रुपया है तो हिंदुस्तान के सबसे नीचे हल चलाने वाले किसान को और राष्ट्रपति के वेतन के बीच में 1 और 10 का अंतर जिस दिन इस देश में आ जाएगा उस दिन यह देश विश्व का सबसे संपन्न, समृद्ध और महाबलवान देश बन जाएगा। लेकिन हम कर पाएंगे क्या? नहीं। आखिरी उन्होंने कहा, कानून बनाने वाले चीजों के दाम घटाए न कि अपनी तनख्वाहों को बढ़ाए। अपनी ताकत, अपनी तनख्वाहें बढ़ाने के बजाय चीजों के दाम घटाने के लिए क्यों नहीं लगाते हो? उन्होंने कहा था यह 10 अप्रैल 1964 को इसी संसद में बोलते हुए कहा था। इसलिए मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करना चाहूंगा कि मैंने आपके सामने कुछ उदाहरण दिए, पैसे आएंगे, जरूर आएंगे, लेकिन प्रारंभ कौन करेगा? अगर आज हम आए जैसे सरकारी नौकर, कहते चाहे जो मजबूरी हो, मेरी मांगे पूरी हो, वैसे हम भी सांसद और विधायक देश में कहते हैं कि जैसे महंगाई बढ़ गई, सरकारी नौकर का लूट रहा है, उसी के अनुपात में मेरे भी तनख्वाह और भत्ते वेतन बढ़ा दो। सरकार के खजाने पर बोझ बढ़ते जाएंगे, उन गरीबों के लिए बचेंगे कहां से? इसलिए ये नियम अगर बने कि 100 से कम न 1000 से ज्यादा, समाजवाद का यही तकाजा, क्या हम मानने के लिए तैयार हैं? यह देश मानेगा? दूसरी बात, इस देश के अंदर जो ऊपर और नीचे का है, कल प्रणब दादाजी नाम ले रहे थे NCAER, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, मेहताब साहब उसको 10 बरस पहले का निकाल के आप देखिएगा, क्योंकि नया अब कहीं मिलता नहीं है, उधर उतनी अब हमारी ताकत नहीं है जो खोजूं। उसमें था इस देश के उस समय बिरला सबसे ऊपर थे, आज अंबानी ऊपर है। उस समय उस कमिटी ने, उस NCAER ने अपनी रिपोर्ट में दिया था कि इस देश के 20% नीचे के 20% लोगों की कुल जायदाद तराजू के एक पल्ले पर और बिरला की जायदाद तराजू के दूसरे पल्ले पर, तब भी ये 20% की जायदाद कम है और अकेले बिरला का पल्ला भारी है। और आज के तारीख में एक अंबानी घराने की कुल परिसंपत्ति जायदाद तराजू के एक पल्ले पर रख दिया जाए और हिंदुस्तान के 30% निर्धन, निर्बल, दलित, पिछड़े, गरीब किसान की कुल जायदाद को एक पल्ले पर रख दिया जाए, तब भी अंबानी का पल्ला भारी है। लेकिन अंबानी का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि अंबानी का सब घर में पैठ है, सब दरबार में अंबानी की जय जयकार है, कौन बिगाड़ लेगा? आज इसलिए व्यापारी निर्भय है, उद्योगपति निर्भय है, सेठ साहूकार निर्भय है, भ्रष्टाचारी निर्भय है, देश को लूटने वाला निर्भय है, अपराध करने वाला निर्भय है, इसलिए कि उसको संरक्षण देने वाला कहीं न कहीं प्रशासन और राजनीति के शिखर पर बैठा हुआ है। इसलिए हमारे गांव में कहते हैं, पिया भय कोतवाल तो डर काहे का, पिया भया कोतवाल तो डर काहे का। जिसको राजनीतिक संरक्षण मिलेगा, प्रशासनिक संरक्षण मिलेगा, और सबसे ज्यादा संरक्षण मिलता है जात के नाम पर। लोहिया कहते थे, जाति के गंदे कूड़े पर भ्रष्टाचार के कीड़े जन्मते हैं, पलते हैं, बढ़ते हैं और देश को चाटते हैं। कोई भ्रष्ट अधिकारी हो और जात के नाम पर चला जाए तो सभी पार्टी के उसके जात का आदमी उसके संरक्षा के लिए खड़ा हो जाता है। और सब करे न करे, मैं बिहार के मधुबनी में भोगा हूं, एक DDC एक जात विशेष का था, उसने भ्रष्टाचार किया, जिला परिषद को लूटा, मैं उसके खिलाफ लड़ा, लेकिन उसके जाति के सभी पार्टी में उसके जाति के नेता उसके पक्ष में खड़े हो गए। हम किसकी बात करते हैं? इसलिए हम अपने चरित्र से उस पाखंड को छोड़े, हम अपने चरित्र से उस कपट को छोड़े, जहां से हम आए हैं शैलेंद्र जी बैठे हैं, रघुवंश भी राजपूत भले हों, लेकिन वो जहां जिस परिवार से हैं जानता हूं, हम जिस धारा में थे, कितनी रात जमीन पर सोए होंगे, साइकिल पर चले होंगे, सूखी रोटी खाए होंगे, कितनी गाली सुने होंगे, ये शरीर ही जानता है। मंगलीलाल मंडल यहां है, किस परिवार से कहां से उठ के आए हैं वो वही जानते हैं। जाके पैर न फटे बिमाई, सो का जाने पीर पर आई, का दुख जाने दुखिया, का दुख जाने दुखिया माए। मेरे पिताजी फ्रीडम फाइटर थे, अनपढ़ थे, आधी धोती पहनते थे, आधा तन पर रखते थे,
कभी जीवन में देह पर गंजी और भर बाजू का कुर्ता नहीं देखा, लेकिन मैंने उनके साथ खेत में काम किया। हमारे नेता भी कर्पूरी ठाकुर आधा एकड़ जमीन जोतने वाला नाई का बेटा था, और जिस दिन वो मरा उस दिन आधा एकड़ का आधा एकड़ जमीन रह गया। सभापति महोदया, यही चादर सुर नरमणि ओढ़े ओढ़ के मैली की नहीं, जतन से ओढ़े दास कबीरा जस के तस धर धीनी, चदरिया झीनी रे झीनी। वह महान कर्पूरी ठाकुर 10 कट्ठा जमीन जोतने वाला नाई का बेटा बिहार का 2-2 बार मुख्यमंत्री बना। 10 साल तक बिहार का एक छत्र जातिवादी नेताओं के कलेजे पर चढ़ के हम लोगों के कारण वह बिहार के राजा बन के रहे, और मरे तो 10 कट्ठा जमीन छोड़ के चले गए। आज हम एमएलए बनते हैं, एमपी बनते हैं, बाप मेरा हल चलाता है, बेटा लाखपति बन जाता है, बाप माँ कहीं रहते हैं, बेटा करोड़पति अरबपति बन जाता है, हमको चढ़ने के लिए साइकिल नहीं रहती है, यहाँ आते हैं तो कौन स्कॉर्पियो से ऊपर एक कौन गाड़ी निकला है, फॉर्चूनर। हम तो जिस फॉर्चूनर हैं बाकी फॉर्चूनर वाले हैं वहां हम चले जाते हैं, हम उस गरीबों के रह पाते हैं क्या? इसलिए मैं कहता हूं इस संसद के स्वरूप को रघुवंश बाबू इस संसद के स्वरूप को बदलना पड़ेगा। संसद इतिहास बदल सकता है, संसद उन गरीबों को 3000 रुपया महीना भत्ता दे सकता है, संसद चाहे तो उनकी जिंदगी में नई रोशनी ला सकता है, संसद चाहे तो जाति को मिटा सकता है, और संसद चाहे तो इस हिंदुस्तान को एक नया हिंदुस्तान बना सकता है। लेकिन 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 पड़ाके में रुकता हूं, जिसको बदलना है वो खुद नहीं बदलेंगे। लंबी लंबी बात हम करेंगे लेकिन हम इतिहास नहीं बना पाएंगे, आना हम इस संसद को बदल पाएंगे। आइए इस देश को मजबूत और बलवान बनाना है। मैं कॉमनवेल्थ गेम और दुनिया के भ्रष्टाचार की बात नहीं करता हूं, मैं तो गरीब आदमी हूं साहब। 1000 रुपया की चोरी हो जाती है तो करेजा फटने लगता है, यहां तो खड़ा होता हूं 1000 करोड़, 3000 करोड़, 5000 करोड़। कोई सड़क खा गया, कोई हवाई जहाज खा गया, कोई स्टेडियम खा गया, अरे बाप रे बाप, उसका पेट है कि राक्षस का महाराक्षस पेट है, ईटा खाता, रोड़ा खाता, गिट्टी खाता, सब कुछ पचाता है, अब क्या बाकी है जो छोड़ देगा। और पचाते पचाते इस देश के 85% निर्धन निर्बल गांव के गरीब किसानों की हड्डी पचा गया, मांस पचा गया, खून पी गया, और तब भी हम नहीं चेत रहे हैं, हमारी आंखें नहीं खुल रही है। इसलिए अंत में मैं विनम्र प्रार्थना करूंगा, रघुवंश बाबू ये 3000 जो आपने मासिक का कहा है कि उनको भत्ता मिले, जब माननीय लाल कृष्ण अडवाणी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उस समय किसान के हैसियत से मैं उसमें बैठता था, और मैंने ये प्रस्ताव रखा था, हमारे पार्टी के कई लोगों ने कहा कि कैसे होगा, अडवाणी जी ने कहा क्यों नहीं होगा, हुकुमदेव जी जो कह रहे हैं सही है, इतने लोगों को अगर पेंशन मिलेगा तो उनको गरीब किसान को 3000 रुपया पेंशन क्यों नहीं मिलेगा, 100 रुपया रोज भी नहीं दोगे, हम 100 रुपया रोज नहीं मांगते, हम कुछ नहीं मांगते। भारत सरकार का चतुर्थ वर्ग का जो एक कर्मचारी है उसको जितना पेंशन देते हो, मुझे फोर्थ ग्रेड के उन कर्मचारी का ही पेंशन दे दो, उन गरीबों को उतना भी नहीं दे सकते हो क्या, वो भी नहीं दे सकते हैं। इसलिए आपसे मेरी विनम्र प्रार्थना है 3000 रुपया कम से कम 100 अगर उनको महीना का मिले, 3000 रुपया महीना, 100 रुपया रोज अगर उनको पेंशन मिलेगा, मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, मेरी पत्नी बूढ़ी हो जाएगी, खाट पर पड़ी रहेगी, बेटा आएगा, बहू आएगी, पैर में मक्खन लगाएगी कि बुढ़वा बुढ़िया ज्यादा दिन जिंदा रहे, जो 3000 पेंशन लाएगा हमें भी दिखाएगा, हमारे बेटा बेटी को भी पढ़ाएगा, इसलिए वह हमारी जिंदगी का सम्मान होगा, आर्थिक सामाजिक राजनीतिक धार्मिक प्रशासनिक सम्मान होगा। इसलिए आइए प्रशासनिक सत्ता को बदल दीजिए, संसदीय व्यवस्था को बदल दीजिए, हिंदुस्तान में एक समता समाज लाने के लिए गांधी लोहिया अंबेडकर इनकी दीनदयाल इनकी दृष्टि के आधार पर नए भारत का निर्माण करने के लिए आइए हम आह्वान करते हैं। अंत में आह्वान करता हूं, इस लोकसभा चैनल चलाने वाले को धन्यवाद देता हूं कि आज मेरी बात को देश के लाखों गरीब सुन रहे हैं। अरे यह संसद बदले ना बदले, हम बदले ना बदले, नौजवानों यूनिवर्सिटी को छोड़ दो, विद्यालय को छोड़ दो, उनमें ताले लगा दो, सड़क पर आ जाओ, दिल्ली में 20 लाख लोग
लकड़ियों पर सोते हैं, उन गरीबों को उठा लो और एक दिन इस संसद के चारों तरफ घेर के तुम उस तब तक बैठ जाओ जब तक तुम अपना अधिकार नहीं लोगे, तब तक तेरा घेरा नहीं उठेगा। जिस दिन ये 20 लाख लोगों के साथ वो नौजवान निकल के आएगा, नया इतिहास बदल देगा। हमसे नहीं होगा, आपसे नहीं होगा, क्योंकि हम और आप कहीं ना कहीं उस सुविधा भोगी समाज के अंग बन गए हैं। इसलिए प्रार्थना करता हूं, देश के नौजवानों, गरीबों, किसानों, हम बदले न बदले, हमसे ऐसा छोड़ो, तुम आगे निकलो, स्कूल कॉलेज विद्यालयों को छोड़ दो, और तुमसे आह्वान है, आओ श्रमिक कृषक मजदूरों, इनकलाब का नारा दो, शिक्षक गुर्जन बुद्धिजीवियों, अनुभव भरा सहारा दो, तब हम देखे सत्ता कितनी बर्बर और बोराई है। तिलक लगाने तुम्हें जवानों, क्रांति द्वार पर आई है, क्रांति द्वार पर आई है। धन्यवाद।